So we'll start with a quick recap of kinetic theory of gases as usual. जब नया chapter start होता है in crash course we go through a quick overview of the chapter. तो आज हमको start करना है kinetic theory of gases. So let us begin with according to your Maharashtra State Board syllabus it is chapter number 3. So kinetic theory of gases and radiation. तो एज यू रिमेम्बर अभी याद तो होना ही चाहिए इस चैप्टर के दो पार्ट्स है एक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और एक है रेडिएशन. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले यू शुड नो बेसिक गैस लॉस. तो चार बेसिक गैस लॉस है उसमें सबसे पहला है बॉयल्स लॉ. वेल बाय द वे अगर आपको ये याद रखना है तो वेरी सिंपल थिंग किसी भी गैस का अगर स्टडी करना है तो टू स्टडी अ गैस देर आर सर्टन पैरामीटर्स. गैसेस के लिए गैसेस का स्टडी करना है तो उसके लिए चार पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड एंट्रोपी. फॉर एग्जाम्पल सॉलिड्स का अगर स्टडी करना है तो आपके पास सॉलिड का स्टडी करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्टडी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स मतलब यू अप्लाई फोर्स ऑन अ सॉलिड एंड सी हाउ डज अ सॉलिड रिस्पॉन्ड टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. आप सॉलिड का टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हो उसको आप बोलते हो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. सो वैन यू चेंज द टेम्परेचर एंड यू सी हाउ डज अ सॉलिड बिहेव टू द चेंज इन टेम्परेचर हमने देखा था वो थर्मल एक्सपांशन होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सॉलिड का स्टडी करना है तो और भी तरीके हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन पास अ करंट थ्रू इट एंड इफ इट बेसिकली अगर करंट पास हो गया तो गुड कंडक्टर है नहीं हुआ तो बैड कंडक्टर है. सिमिलरली टू स्टडी गैसेस वी कैन यूज फोर पैरामीटर्स प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड एंट्रोपी. एंट्रोपी नॉर्मली हम लोग केमिस्ट्री में ही देखते हैं फिजिक्स में एंट्रोपी यू विल नेवर सी. तो हमारे पास यहाँ पे तीन ही पैरामीटर होते हैं प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. तो तीनों में से एक को कांस्टेंट करते हो तो मैं एक काम करता हूँ मैं टेबल ही बना के देता हूँ. तो इट इज वेरी इट विल बी बेटर फॉर यू इफ यू डू इट इन अ टेबलेटेड वे. तो लॉ और उसमें क्या कॉन्स्टेंट रख रहे हो आप. सो विच पैरामीटर यू आर कीपिंग कॉन्स्टेंट and what is the relation that you get. तो Boyle's law में in case of Boyle's law you keep temperature as constant and if temperature is constant pressure is inversely proportional to volume. तो PVT में से T constant रख दिया we will change V volume increase करेंगे तो pressure decrease होगा और अगर volume decrease करेंगे तो pressure increase होगा. इसका मतलब यह भी होता है कि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इसका मतलब यह भी होता है कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2. देन यू हैव नेक्स्ट लॉ विच इज चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ में इफ यू रिमेंबर यू कीप प्रेशर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. बाय द वे ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है सो इट इज इन एब्सोल्यूट स्केल मतलब इट इज इन केल्विन स्केल. तो इन दिस केस यू गेट V by T इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2. तीसरा लॉ था गेलुजैक्स लॉ. इन केस ऑफ गेलुजैक्स लॉ यू कीप वॉल्यूम कॉन्स्टेंट देन यू हैव प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो यू हैव P1 by T1 इक्वल टू P2 by T2. गुड. और एक लॉ है एवोगैड्रोस लॉ. तो इफ यू रिमेंबर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू नो व्हाट आर नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स पता होगा ऐसा. व्हाट इज वन मोल ऑफ अ गैस. वन मोल ऑफ अ गैस कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो एवोगैड्रोस लॉ में The law is volume is proportional to number of moles. आप जब इन चारों लॉ को कंबाइन कर देते हो तो यू गेट आइडियल गैस इक्वेशन. When you combine all these four laws, you have PV equal to nRT. Check कर सकते हो if you want. अगर T constant है by the way R is called as गैस कॉन्स्टेंट एन नंबर ऑफ मोल्स और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर वी इज वॉल्यूम पी इज प्रेशर. अगर एन आर टी कॉन्स्टेंट है
तो पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब बॉयल्स लॉ हो गया। अगर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स एंड आर कॉन्स्टेंट है तो यू हैव प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज गेलुजैक्स लॉ, चार्ल्स लॉ नहीं, गेलुजैक्स लॉ। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो इफ यू कीप प्रेशर एंड एन आर कॉन्स्टेंट यू हैव वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ। ओके, इफ यू हैव एवरीथिंग एल्स कॉन्स्टेंट तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रोस लॉ। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, यू नो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर वेट। यस, और एक देर इज वन मोर वे आउट, हाउ डू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, सिंपल। तो यू कैन सब्सटीट्यूट इट हियर, तो पी वी इक्वल टू एन बाय एन ए आर टी, और आर बाय एन ए होता है के, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। तो पी वी इक्वल टू एन के बी टी। ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है, वो भी आइडियल गैस इक्वेशन है। देन आफ्टर आइडियल गैस इक्वेशन वॉट यू हैव सीन इज अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। अब मैं उसमें जाऊंगा नहीं बिकॉज इट इज प्योरली थ्योरेटिकल। देर आर टू टाइप्स ऑफ अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। पहला टाइप था नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स में यू जस्ट से दैट ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल इन शेप, दे आर इलास्टिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम गैस आर आइडेंटिकल इन मास एंड साइज। और दूसरे टाइप का जो अजम्पशंस थे काइनेटिक थ्योरी के, याद है क्या, रैंडम मोशन, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर मूविंग इन रैंडम मोशन, जिसको तुम ब्राउनियन मोशन बोलते हो। तो अजम्पशंस में मैं नहीं जाऊंगा, आई जस्ट गो थ्रू वेयर एवर यू हैव अ फॉर्मूला। इसके बाद था मीन फ्री पाथ। अब ये मीन फ्री पाथ क्या है, तो चलो पहले देखते हैं कि फ्री पाथ क्या होता है, फिर देखते हैं मीन फ्री पाथ क्या होता है। वैसे बाय द वे मीन फ्री पाथ इज रिलेटेड टू अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मैंने अभी बोला देयर आर सर्टेन अजम्पशंस, क्योंकि गैस को हम डायरेक्टली देख नहीं सकते। तो जब इनिशियल स्टेजेस में गैसेस का स्टडी स्टार्ट हुआ था तो सम अजम्पशंस वेयर मेड। अभी मैंने उसमें कुछ बताया कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर स्फेरिकल, दे आर रिजिड, दे आर इलास्टिक, राइट। उसके बाद मैंने बताया रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं है, द गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग एनीवेयर। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक पर्टिकुलर गैस का मॉलिक्यूल है, इट विल कम कोलाइड, देन आफ्टर कोलिजन उसका डायरेक्शन चेंज होगा, इट विल गो मेक अनदर कोलिजन, और फिर वापस डायरेक्शन चेंज होगा, इट विल मेक अनदर कोलिजन। तो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ना इन बिटवीन टू कोलिजन, उसको बोलते हो फ्री पाथ। क्या बोलते हैं उसको, फ्री पाथ। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एज फ्री पाथ। तो ये दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, दैट इज लैम्डा वन, वी डिनोट फ्री पाथ बाय लैम्डा वन। अगले दो में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, दैट इज लैम्डा टू। अगले दो में जो हुआ, दैट इज लैम्डा थ्री। तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये सेम होगा ही ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते ना। बिटवीन फर्स्ट टू सक्सेसिव कोलिजन डिस्टेंस ट्रेवल इज लैम्डा वन, बिटवीन नेक्स्ट टू सक्सेसिव कोलिजन इट इज लैम्डा टू, देन लैम्डा थ्री, देन लैम्डा फोर, देन लैम्डा फाइव। तो जो फ्री पाथ की वैल्यू है ना, वो सक्सेसिव कोलिजन्स में सेम नहीं है। इसके लिए हम लोग मीन वैल्यू निकालते हैं। तो व्हाट वी डू इज वी फाइंड आउट व्हाट इज द मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं पता है ही आपको, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री प्लस लैम्डा फोर अपॉन प्लस लैम्डा एन अपॉन एन। और डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस स्मॉल एन। एक काम करता हूँ, मैं नोटेशन चेंज कर देता हूँ, आई विल जस्ट मेक इट कैपिटल एन। दिस इज नंबर ऑफ कोलिजन्स। अब ये जो मीन फ्री पाथ है, थोड़ा सा अच्छे से सुन लो और समझ लो। मीन फ्री पाथ ये सिंगल मॉलिक्यूल का होता है। किसका होता है, सिंगल मॉलिक्यूल का। देखो गैस है, गैस में हर एक मॉलिक्यूल मूव हो रहा है, बट जब आप मीन फ्री पाथ की बात करते हो ना, तो इसलिए मैंने बोला एक मॉलिक्यूल आया, उसका पहला कोलिजन हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, उसका दूसरा कोलिजन हुआ, तो पहले और दूसरे कोलिजन में उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लैम्डा वन। फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, तीसरा कोलिजन हुआ, सेकेंड और थर्ड कोलिजन के बीच में उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लैम्डा टू। तो मीन फ्री पाथ की आप जब बात करते हो, आप पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल मॉलिक्यूल।
यहां पे कंफ्यूजन रहेगा, अब इसे क्लियर कर देता हूं। इसी का एक अल्टरनेट फॉर्मूला है मीन फ्री पाथ का, अगर आपको याद होगा तो, याद होना चाहिए। हाँ, लैम्डा इक्वल टू वन अपॉन रूट टू पाई डी स्क्वायर एन, वेयर डी इज द डायामीटर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड एन इज नंबर डेंसिटी, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। तो लैम्डा इक्वल टू वन अपॉन रूट टू पाई डी स्क्वायर एन बाई वी, यह है मीन फ्री पाथ का अल्टरनेट फॉर्मूला। देन वी टॉक अबाउट मीन वेलोसिटी। जब आप मीन वेलोसिटी की बात करते हो, मीन मतलब यहां पर क्या होता है, मीन वेलोसिटी की बात करें, अभी मीन वेलोसिटी, तो इस केस में हमारे पास मॉलिक्यूल जो है, हर एक मॉलिक्यूल इज मूविंग विद सम डिफरेंट स्पीड्स। तो अगर C1 इज द स्पीड ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल, C2 इज द स्पीड ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल, C3 स्पीड इज द स्पीड ऑफ थर्ड मॉलिक्यूल, Cn इज द स्पीड ऑफ nth मॉलिक्यूल, तो मुझे पता करना है व्हाट इज द मीन स्पीड, मीन वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं, इसको बोलते हैं मीन वेलोसिटी। बराबर, जो मीन वेलोसिटी है ना, उसको डिनोट करने के लिए मैं ऊपर बार लगाऊंगा, दिस बार डज नॉट मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर, इट इज जस्ट अ मीन, या फिर ठीक है आई विल जस्ट कीप इट लाइक दिस। तो आपके जो नोटेशन है मैं टेक्स्ट बुक के फॉलो करने वाला हूँ, तो वी आर डिनोटेड बाय मीन हियर, फाइन। अब यहाँ पे ना, ये जो मीन की तुम बात कर रहे हो, ये सिंगल मॉलिक्यूल का नहीं है, ये ओवरऑल गैस मॉलिक्यूल्स का है। मीन फ्री पाथ एक सिंगल मॉलिक्यूल का होता है, और मीन वेलोसिटी ये पूरे गैस के मॉलिक्यूल्स का होता है। पहला मॉलिक्यूल इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी C1, अदर मॉलिक्यूल इज मूविंग विद C2, अदर मॉलिक्यूल इज मूविंग विद C3। तो व्हाट वी डू इज वी एड ऑल दिस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मीन वेलोसिटी है, ये ओवरऑल सारे गैस मॉलिक्यूल्स का है। बराबर, ये क्लियर है। फिर हम डिफाइन करते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों डिफाइन किया, उसका भी रीजन है। द आइडिया वेयर इज, ओवरऑल स्पीकिंग, ये जो मीन वेलोसिटी है ना, ये जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई मॉलिक्यूल, इमेजिन इट इज मूविंग इन अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, तो उसका वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा। द अदर वन मे बी इट इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो उसका नेगेटिव आएगा। तो ओवरऑल जब मैं ऐड करने जाऊंगा, कुछ वेलोसिटीज पॉजिटिव होंगे और कुछ वेलोसिटीज नेगेटिव होंगे, तो मीन वेलोसिटी जीरो हो सकता है। प्रॉब्लम क्या आता है कि ये मीन वेलोसिटी क्यों हम लोग यूज करते हैं, टू कंपेयर टू गैसेस। हमारे पास कंटेनर ए है, गैस नंबर वन, कंटेनर बी है, गैस नंबर टू, मुझे इन दोनों गैसेस को कंपेयर करना है। और अगर मैं कंपेयर करने के लिए मीन वेलोसिटी यूज कर रहा हूँ, तो इट इज पॉसिबल दैट दोनों ही कंटेनर में जो एवरेज आ रहा है वो जीरो हो गया, तो आई विल नॉट बी एबल टू कंपेयर द टू गैसेस। तो जीरो नहीं आना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव को भी क्या करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, स्क्वायर। तो उसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन का स्क्वायर, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसमें आप क्या करते हो, इसमें सारे वेलोसिटीज का आप स्क्वायर लेते हो, उन सारे स्क्वायर्स को ऐड करते हो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करते हो, दैट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस। आरएमएस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड पैरामीटर फॉर कंपैरिजन ऑफ टू गैसेस, तो रूट मीन स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। इस केस में आप मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट लेते हो, तो यू टेक मीन स्क्वायर वेलोसिटी C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर डिवाइड बाय n, इसका स्क्वायर रूट। तो आ गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। गुड, इसके बाद वी हैव डिराइव्ड एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ अ गैस, अगर याद होगा तो, प्रेशर ऑफ अ गैस। ये जो डेरिवेशन था, ये आपके टेक्स्ट बुक का सबसे बड़ा डेरिवेशन था। अब मैं डेरिवेशन में तो जाऊंगा नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सीईटी, तो वी डोंट हैव टाइम टू डिराइव। सिर्फ आपको ये बताना चाहिए व्हाट इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस का जनरल फॉर्मूला, तो 1/3 रो सी आर एम एस स्क्वायर। तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस, आई जस्ट गिव अ रफ आइडिया अबाउट व्हाट इज दिस इक्वेशन अबाउट। हमारे पास एक कंटेनर है, और यहाँ पे हम लोग कंटेनर क्यूबिकल मानते हैं, मतलब क्यूबिकल बॉक्स है, उसमें गैस है, ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली। सो बिकॉज दे आर मूविंग रैंडमली, दे विल कोलाइड विद ईच अदर, एंड बाय द वे काइनेटिक तरीका एक असम्पशन था, व्हेन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड
ऐसा लिखते हैं वहाँ पे, दिस कोलिजन आर सपोज टू बी परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है तो क्लियर कर लो, ऐसा बोलते हैं दैट द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। और अगर आपको याद होगा इलास्टिक कोलिजन में देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, राइट, करेक्ट, देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। लेकिन यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन का मतलब कुछ और होता है। यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि जब एक पार्टिकल मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होगा उस केस में एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर गैस है, मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव हो रहा है तो वो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड होते हैं, तो दिस कोलिजन आर इन इलास्टिक इन विच काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर या फिर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। लेकिन व्हेन दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर उस केस में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन होता है बिटवीन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, और इलास्टिक होता है बिटवीन मॉलिक्यूल एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो ये अजम्पशन है, वो पता होना चाहिए। गुड, तो जब ये मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड कोलिजन लीड्स टू फोर्स। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो हमने प्रेशर फाइंड किया था थ्रू द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ द वेसल। तो प्रेशर का इक्वेशन आता है 1/3 रो सी आर एम एस स्क्वायर, वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ द गैस, और आपको पता है डेंसिटी ऑफ द गैस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पे ये वी इज वॉल्यूम, तो ये आ गया प्रेशर, बराबर। फिर इस प्रेशर के इक्वेशन से हम लोग फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। और यहाँ पे पांच टाइप के काइनेटिक एनर्जी की बात होता है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल गैस, जितना भी गैस हमारे पास है पूरा का पूरा गैस का काइनेटिक एनर्जी। नंबर टू, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 5 m³ है, उसमें से हमको 1 m³ मतलब यूनिट वॉल्यूम लेना है, उस यूनिट वॉल्यूम में जितना भी गैस होगा उसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, उसको बोलते हो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद आप फाइंड करते हो काइनेटिक एनर्जी पर मोल, देन यू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, देन यू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो एक एक करके हम पाछों के पाछों फाइंड करेंगे। बेटर आई विल मेक अ टेबल दैट विल हेल्प यू अगेन। तो लेट अस मेक अ टेबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टेबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये आपको बहुत काम में आएगा टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ओके, ओके, तो व्हेन यू टॉक अबाउट जस्ट काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जब बोलते हो तो नॉर्मली टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो एंड द रिस्पेक्टिव फॉर्मूला फॉर दैट। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, आई जस्ट राइट डाउन टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, पूरे गैस का। अब पूरे गैस का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, लुक हियर, यहाँ पे ध्यान देना। तो ये P था, ये 3V है, इसको शिफ्ट कर लिया तो क्या आ गया 3PV इक्वल टू क्या हो गया MCRMS स्क्वायर। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला, हाफ MV स्क्वायर मतलब हाफ MCRMS स्क्वायर। M इज मास, CRMS ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी स्क्वायर है ये। तो मैं दोनों साइड पे डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो ये जो आपका हाफ CRMS स्क्वायर इंटू M है, ये कौन है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो क्या बन गया फॉर्मूला 3/2 PV। तो जनरल फॉर्मूला इज 3/2 PV, बराबर। उसके बाद इफ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अभी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, व्हाट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी 3/2 PV डिवाइड बाय वी, तो कितना हो जाएगा 3/2 P। उसके बाद यू वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, पर मोल नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू नो द फॉर्मूला डायरेक्ट फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू नो हाउ डू यू फाइंड आउट वॉट इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। हाँ, पी वी इक्वल टू, पहले तो ये बता दो मेरे को कि पर मोल मतलब क्या होता है। पर 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 वो चिड़िया वाला पर नहीं, पीईआर पर, व्हाट इज पर,
पर मतलब डिवाइड बाय, तो व्हेन आई से काइनेटिक एनर्जी पर मोल, आई विल टेक टोटल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, पर मोल मतलब डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स है। अब ये पीवी क्या होता है, एनआरटी, तो डिवाइड बाय एन, तो क्या हो गया 3/2 RT, तो 3/2 RT ये आ गया काइनेटिक एनर्जी पर मोल। देन यू हैव काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, अब थोड़ा सा सोचो अच्छे से, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर मोल है 3/2 RT और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पर मोल को नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो इफ आई डिवाइड काइनेटिक एनर्जी पर मोल बाय एवोगाड्रो नंबर, आई गेट काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, व्हाट इज R/NA, केबी, तो 3/2 KBT। और एक आखिरी रह गया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो पर यूनिट मास वो अभी आप कर लेना, काइनेटिक एनर्जी को टोटल को मास से डिवाइड कर लो, दैट यू कैन डू, विल यू डू, यस। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, इट इज 3/2 RT/m0, वेयर m0 इज मॉलिक्यूलर वेट, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास इज 3/2 RT/m0, वेयर m0 इज मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। हो गया, इसके बाद वी आर सपोज टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन CRMS एंड टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन CRMS एंड टेम्परेचर, और यहाँ पे टेम्परेचर जब भी मैं बोलूंगा वो हमेशा होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हाउ डू यू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन CRMS एंड टेम्परेचर, प्रेशर, तो प्रेशर का इक्वेशन है तुम्हारे पास, ठीक है, 1/3 ρ CRMS² बराबर, करेक्ट, तो P=1/3 मास अपॉन वॉल्यूम इनटू CRMS², तो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो 3PV = mCRMS², वो 3 को वहाँ रखना तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड बाय 3 कर लो, इस 3 को यहाँ से गायब कर दो, PV क्या होता है, NRT, तो NRT = m/3 CRMS², तो यहाँ से दिख रहा है हमको CRMS² इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो CRMS इज √ T। कोई भी फॉर्मूला तुम डिराइव कर रहे हो उसके पीछे एक रीजन होता है, व्हाई आर वी एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन CRMS एंड टेम्परेचर। CRMS तुमने यहाँ पे फॉर्मूला डिफाइन क्या किया, √C1² + C2² + C3² up to CN² / N, what is this C1 C2 C3 C4 CN, C1 C2 C3 ये individual molecules के velocities है। अब गैस में billions and billions of molecules are moving, it is not practically possible to find out molecule speed of individual molecule, हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी नहीं फाइंड कर सकते, यू कैन नॉट फाइंड आउट C1, यू कैन नॉट फाइंड आउट C2 डायरेक्टली, अगर जब C1 C2 C3 की वैल्यू डायरेक्टली नहीं मिल सकती है तो CRMS, बाय द वे इसको हम डिनोट करते हैं CRMS से, अगर मुझे C1 C2 C3 C4 इसकी ही वैल्यू डायरेक्टली मिल नहीं सकती तो मुझे CRMS नहीं मिल सकता, क्योंकि वी कैन नॉट गो ऑन फाइंडिंग आउट वेलोसिटीज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, तो हम लोगों को पता है कि C1 C2 C3 तो नहीं मिल पाएगा, तो फिर हमको CRMS की वैल्यू चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि प्रेशर उस पर डिपेंड करता है, मुझे प्रेशर फाइंड करना तो CRMS चाहिए, काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करना तो CRMS चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं CRMS और टेम्परेचर का रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर फाइंड करना इज वेरी सिंपल टास्क, आई जस्ट पुट अ थर्मोमीटर, डन, काम खत्म, एक थर्मोमीटर डाल दिया सिलेंडर में, वेसल में, मुझे टेम्परेचर मिल जाएगा एंड फ्रॉम टेम्परेचर आई कैन मेजर व्हाट इज CRMS, गुड, क्लियर यहां तक। इसके बाद था, इफ यू रिमेंबर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, गुड सिंपल टॉपिक, इक्विपार्टीशन थ्योरम भी बोलते हैं इसको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं,
लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी या फिर इक्विपार्टीशन थ्योरम। अभी ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है ये समझने से पहले यू शुड ऑल्सो नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मैं दोनों इसके दो स्टेटमेंट बनते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की, मैं दोनों को समझा देता हूँ। पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो समझ लो। सो लेट अस से हमारे पास एक मोनोएटॉमिक गैस है, मोनो सिंगल, तो अ गैस विच इज मेड अप ऑफ एटम्स नॉट मॉलिक्यूल्स, एटम्स इज कॉल्ड एज मोनोएटॉमिक गैस। मोस्टली दीज आर इनर्ट गैसेस जैसे हीलियम हो गया, अर्गन हो गया, बराबर। अब अगर मैं इस मोनोएटॉमिक गैस को एनर्जी देता हूं तो हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज दिस गैस एटम कैन एब्जॉर्ब एनर्जी, उसको बोलते हो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैंने एनर्जी दिया तो क्या होगा, इट स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स और अलॉन्ग वाई और अलॉन्ग जेड। इसका मतलब अगर हमने इसको एनर्जी सप्लाई किया तो इसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा अलॉन्ग एक्स, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर या फिर हाफ एम वी वाई स्क्वायर या फिर हाफ एम वी जेड स्क्वायर। तो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच अ गैस एटम और मॉलिक्यूल कैन एब्जॉर्ब एनर्जी इज कॉल्ड एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो मोनोएटॉमिक गैस के तीन ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं कमिंग फ्रॉम ट्रांसलेशन, क्योंकि इफ आई गिव दिस एटम एनर्जी तो उसका सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन ही होगा, रोटेशन तो होगा नहीं, वाइब्रेशन भी होगा नहीं, तो सिर्फ क्या होगा ट्रांसलेशन। और जब ट्रांसलेशन मोशन की बात करते हो तो पार्टिकल कैन मूव अलॉन्ग एक्स एक्सिस, कैन मूव अलॉन्ग वाई एक्सिस और कैन मूव अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच इट कैन एब्जॉर्ब एनर्जी इज थ्री, उसको बोलते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अगर मेरे पास डायटोमिक होता, और डायटोमिक में दो टाइप होते हैं, एक होता है रिजिड एक होता है नॉन रिजिड, तो अगर मेरे पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड, रिजिड रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल इज द वन इन विच द बॉन्ड लेंथ इज फिक्स, बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगा। अगर मैं ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसका ट्रांसलेशन होगा, मतलब अलॉन्ग एक्स जा सकता है, अलॉन्ग वाई जा सकता है, अलॉन्ग जेड आ सकता है, मतलब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल मूव होने लग गया, या फिर द मॉलिक्यूल स्टार्ट्स रोटेटिंग, इट कैन रोटेट। और यहाँ पर रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दो होते हैं, तीन नहीं होते, दो, एक जो मैंने अभी बताया अप एंड डाउन इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, दूसरा होगा इनसाइड एंड आउटसाइड, राइट करेक्ट, और तीसरा जो होता है वो होता है अलोंग दिस एक्सिस जिसके ऊपर खुद एटम्स बैठे हुए हैं, अलोंग दैट एक्सिस। यू रिमेंबर इफ द मास इज लोकेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जीरो। तो इस एक्सिस के अलोंग इनर्शिया जीरो है, इनर्शिया जीरो होने का मतलब होता है रेजिस्टेंस जीरो है टू चेंज इन मोशन। तो इसका मतलब टू रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस एनर्जी कंज्यूम होता ही नहीं है, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दो ही होते हैं, तीसरा नहीं होता है। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, दो, तो टोटल कितने हो गए, पांच, थ्री कमिंग फ्रॉम ट्रांसलेशन एंड टू कमिंग फ्रॉम रोटेशन। वाइब्रेशन में दो और एड होते हैं, तो इफ आई टॉक अबाउट वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के केस में यू हैव बॉन्ड लेंथ विच इज फ्लेक्सिबल, उसको हम स्प्रिंग जैसा दिखाते हैं, बिकॉज जब मैं इसको एनर्जी दूंगा या तो ट्रांसलेशन होगा या रोटेशन होगा या फिर वाइब्रेशन होगा। ट्रांसलेशन में एज यू नो क्या होता है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मॉलिक्यूल स्टार्ट्स मूविंग, रोटेशन में आई जस्ट टोल्ड यू द मॉलिक्यूल कैन रोटेट, एंड वाइब्रेशन में क्या होता है ना, द मॉलिक्यूल एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जब वो वाइब्रेट होते हैं ना वहां पे होता है वाइब्रेशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, राइट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इज वन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इज अनदर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल वाइब्रेशनल भी कितने होते हैं, दो, तो थ्री प्लस टू प्लस टू तो कितने हो गए, सेवन। अब ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है वो समझ लो। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के दो अलग अलग स्टेटमेंट्स बनते हैं, एक होता है विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म, व्हाट इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुना ही होगा ना, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तो जो मैक्सिमम पावर है एक्स का वो कितना है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इन नेचर।
तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी विद ईच क्वाड्रेटिक टर्म, मतलब इक्वेशन में जितने भी क्वाड्रेटिक टर्म होंगे हर एक क्वाड्रेटिक टर्म के लिए एनर्जी कितना है, हाफ के बी टी. तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी टेल्स यू दैट विद ईच क्वाड्रेटिक टर्म एनर्जी एसोसिएटेड इज हाफ के बी टी, या फिर विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी एसोसिएटेड इज हाफ के बी टी. तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो टाइप ऑफ गैस DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एनर्जी. मैं पहले ईच मॉलिक्यूल की बात करूंगा. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज 3, क्योंकि सिर्फ ट्रांसलेशन से आता है. 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3 क्वाड्रेटिक टर्म्स होते हैं. तो विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम यू हैव हाफ केबीटी एनर्जी, तो कितना हो गया, 3/2 केबीटी. फॉर रिजिड डायटॉमिक यू हैव 5, बराबर, तो यह जाएगा 5/2 केबीटी. इसका मतलब यह भी होता है कि तुमने जो यहां पे 3/2 केबीटी लिखा था कहने के जी पर मॉलिक्यूल, तो आप उस केस में कौन से टाइप के गैस की बात कर रहे थे, मोनोएटॉमिक. ओके, उसके बाद नॉन रिजिड के लिए 7, 3+2+2, तो यहां गया 7/2 केबीटी. वेरी गुड. देन पॉलीएटॉमिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीएटॉमिक, द वन विच हैज मोर देन 2, जैसे फॉर एग्जांपल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल मीथेन CH4. तो इस केस में नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल आर मोर देन 2. तो इन जनरल 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, उन सबको मैं कैटेगरी में डाल दूंगा पॉलीएटॉमिक. अब पॉलीएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, पॉलीएटॉमिक में होता है 6+f. मैं बताऊंगा कहां से आया 6+f, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम. 3 कम्स फ्रॉम ट्रांसलेशन, 3 कम्स फ्रॉम रोटेशन एंड f इज फॉर वाइब्रेशन. सिर्फ कंफ्यूजन क्या रहता है ना, अभी बताया मैंने, विद ईच डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम देर आर 2 टर्म्स एसोसिएटेड, देर आर 2 टर्म्स एसोसिएटेड. क्योंकि वाइब्रेशन की जब बात करते हो, अगर मैं, मेरे पास f डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम है, तो वहां पे 2 क्वाड्रेटिक टर्म बनता है. एक आता है काइनेटिक एनर्जी से, क्यू. लुक, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल नॉन रिजिड डायटॉमिक मॉलिक्यूल. तो जब मैं वाइब्रेशन की बात करूंगा तो पार्टिकल्स क्या होंगे, मतलब एटम्स क्या होंगे, वाइब्रेट हो रहे हैं. मतलब क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं. मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी है. क्या है काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ वी एम वी स्क्वायर. तो वी स्क्वायर आ गया एक काइनेटिक एनर्जी से, सही है, बराबर. और साथ में डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है ना, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है कि नहीं, करेक्ट. तो डिस्टेंस चेंज होना मतलब पता है, पोटेंशियल एनर्जी आना. और अगर आपको याद होगा पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर. ये आपने ऑसिलेटरी मोशन में सीखा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन हाफ के एक्स स्क्वायर. तो ये जो पॉलीएटॉमिक का केस है, ये मैं बाद में ही इंट्रोड्यूस करूंगा, बाद में मतलब अभी, इन अ व्हाइल आफ्टर यू आर डन विद मायर्स रिलेशन, उसके बाद मैं पॉलीएटॉमिक का केस इंट्रोड्यूस कर दूंगा. फिलहाल इतना पता होना चाहिए. देन इसके बाद व्हाट यू हैव लर्नड इज स्पेसिफिक हीट्स. अब स्पेसिफिक हीट में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट दैट यू टॉक अबाउट. एक होता है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, एक होता है मोलार स्पेसिफिक हीट. तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एंड मोलार स्पेसिफिक हीट. पहले तो स्पेसिफिक हीट क्या है बता देता हूं. वैसे इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मेरे पास अगर एक गैस है या फिर लिक्विड है, उसका टेम्परेचर मुझे अगर 1 डिग्री से या 1 केल्विन से बढ़ाना है, तो मुझे हीट सप्लाई करना पड़ेगा. 1 डिग्री या 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना भी हीट लगेगा उसको क्या बोल दोगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मेंशन नहीं किया, मैंने नहीं बोला 1 किलोग्राम है कि 1 मोल है. आई जस्ट सेड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय
1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अगर वो सब्सटेंस का क्वांटिटी 1 किलोग्राम है तो उसको बोलते हो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, देन द हीट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, राइट, बाय हाउ मच, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एस से। अगर मेरे पास जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस था वो 1 मोल होता तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड एज मोलार स्पेसिफिक हीट। सी, आप जब 1 डिग्री से या 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो यू कुड हैव डन टू थिंग्स। एक, आप वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रख सकते थे, दूसरा आप प्रेशर कॉन्स्टेंट रख सकते थे। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है उसको बोलते हो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। मैं डायग्रामेटिकली बताने वाला हूं दोनों में डिफरेंस, इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा बड़ा होगा। अगर मुझे 1 किलोग्राम सब्सटेंस का, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है या 1 केल्विन से बढ़ाना है और मैं प्रेशर कॉन्स्टेंट रख रहा हूं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डिनोटेड बाय एसपी। द सिमिलर थिंग गोज फॉर मोलार। सिर्फ मोलार के केस में क्वांटिटी इज मोल, 1 मोल, राइट। तो इसको बोलूंगा मैं कैपिटल सी, इसको बोलूंगा मैं कैपिटल सी पी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। एंड इफ आई एम कीपिंग वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सी वी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात करते हो, इट इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि तुमको फिर मायर्स रिलेशन याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 वॉज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एंड द अदर इज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो व्हाट वी डू इन दिस केस इज, हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें गैस है, we have a container which has of course gas, so there is gas, okay, then we have another container, it also has the same amount of gas, ye amount abhi agar main molar ki baat kar raha hu to 1 mole 1 mole hoga, agar main principle ki baat kar raha hu to 1 kg 1 kg hoga, okay good। sirf yahan pe ek piston hota hai movable, yahan pe piston nahi hai, wahan pe piston hai। मुझे अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो एज आई टोल्ड यू आई विल सप्लाई हीट, ओके। इन द फर्स्ट केस जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट था, जितना भी हीट हमने सप्लाई किया वो पूरा का पूरा हीट कहां यूज हो गया, टू इंक्रीज द टेम्परेचर। वेर एज इन सेकेंड केस जो मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, पार्ट ऑफ द हीट सप्लाइड इज यूज टू इंक्रीज टेम्परेचर एंड द रिमेनिंग पार्ट इज यूज टू इंक्रीज वॉल्यूम, क्योंकि वहां प्रेशर कांस्टेंट है वॉल्यूम नहीं। तो क्या होगा, आप इसको हीट कर रहे हो गैस को, हीट इज ऑफ कोर्स एनर्जी व्हिच कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो ये एनर्जी ले जाएगा कहां पे, मॉलिक्यूल्स के पास जाएगा। मॉलिक्यूल्स आर ऑलरेडी मूविंग एंड देन दे स्टार्ट मूविंग फास्टर। तो आपने हीट सप्लाई किया, दे स्टार्ट मूविंग फास्टर, व्हेन दे स्टार्ट मूविंग फास्टर, अभी फास्ट मूव हो रहा है तो कोलिजन भी ज्यादा होंगे ना, दे विल कोलाइड विद द पिस्टन, मोर कोलिजंस विद द पिस्टन, क्योंकि कोलिजन विद द पिस्टन ज्यादा है तो पिस्टन पे प्रेशर लग गया। प्रेशर मतलब प्रेशर तो कांस्टेंट, लेकिन मोमेंटम इम्पार्ट हो गया ना, तो उसके वजह से वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। मतलब ये पिस्टन कहाँ जाता है, ऊपर, तो वॉल्यूम स्टार्ट इंक्रीजिंग। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि जो तुमने हीट सप्लाई किया, पार्ट ऑफ दैट हीट इज यूज टू डू वर्क,
टू इंक्रीज द वॉल्यूम, तो डेफिनेटली कॉन्स्टेंट प्रेशर पे ज्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जो तुमने हीट सप्लाई किया है वो दो काम कर रहा है, एक तो टेम्परेचर बढ़ाने का और एक वॉल्यूम बढ़ाने का. वेयर एज हियर इन दिस केस ऑल द हीट दैट यू हैव सप्लाइड इज इंक्रीजिंग ओनली द टेम्परेचर. तो याद रखना हमेशा हमेशा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का जो हीट होता है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर से कम होता है. तो सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी, या फिर यू कैन से एस पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एस वी. बराबर करेक्ट. फिर यहां से तुमको मिलता है मायर्स रिलेशन. मायर्स रिलेशन इट टेल्स यू दैट द डिफरेंस इन द टू स्पेसिफिक हीट्स सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, आर इज गैस कॉन्स्टेंट. और नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज ये जो हमने हीट सप्लाई किया इट इज मेजर्ड इन कैलोरीज, और जो वर्क हुआ इट इज मेजर्ड इन जूल्स. तो एक ही इक्वेशन में आप दो अलग अलग यूनिट्स यूज कर रहे हो, हीट सप्लाइड को आप मेजर कर रहे हो कैलोरीज में और वर्क डन को मेजर कर रहे हो जूल्स में, विच इज नॉट करेक्ट. तो हमको एक कन्वर्जन फैक्टर यूज करना पड़ता है जे. तो फिर लगते हो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर बाय जे, वेयर जे इज कॉल्ड एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. तो सिर्फ कन्वर्जन फैक्टर है वो, गुड. उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको 4.2 कैल, है ना. वन जूल इज 4.2 कैल, क्यों उल्टा? वन जूल यस एग्जैक्टली, वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, राइट. देन यू शुड ऑल्सो नो द रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एंड प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, याद है? मोलार इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट इनटू इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. तो ये तुम सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो Cp विल बिकम MsP एंड Cv विल बिकम MsV. इसी साल पिछले महीने तुमने एग्जाम दिया था, इसी साल दिया था 2024, इसी यूनिवर्स में दिया था. ओके तो ये याद होना चाहिए. दिस इज प्रीटी सिंपल टास्क, यू शुड रिमेंबर MsP माइनस MsV इक्वल टू R by J. तो SP माइनस SV इक्वल टू R by MJ आ गया. गुड. देन इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने मायर्स रिलेशन के एप्लीकेशन देखे थे टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट. गामा फाइंड करने के लिए हमने मायर्स रिलेशन को यूज किया. तो एप्लीकेशन ऑफ मायर्स रिलेशन टू फाइंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, टू फाइंड गामा, वेयर गामा इज द रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी. दिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको बताता है कि कौन से टाइप ऑफ गैस की तुम बात कर रहे हो. बराबर. तो आई राइट डाउन टाइप ऑफ गैस, I'll write down what is the degree of freedom for that gas. I'll write down what is CV for that gas. I'll write down what is CP for that gas. And finally, I'll write down what is gamma factor for that gas. So, ek-ek karke, type of gas, mein I'll basically start with first monatomic gas. Then I'll start with rigid diatomic. Then I'll go for non-rigid diatomic. And lastly, we'll see for polyatomic. Okay. Aur aapko kuch general cheeze pata honi chahiye, which is expected from you. How do you find out CV? CV कैसे फाइंड करते हो वो तो पता होना चाहिए. आई एक्सपेक्ट कि तुमको नहीं पता. नो 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 नो, यू डोंट नो बेसिकली. कैसे चलेगा ये कुछ बेसिक चीजें हैं. इफ यू आर डूइंग साइंस 12th स्टैंडर्ड, ये बहुत बेसिक चीजें हैं. यू शुड नो लाइक दिस, CV इज इक्वल टू DE बाय DT. याद है D is NCV DT, और DT ये T टाइम होता है कि टेम्परेचर होता है? टेम्परेचर होता है. यू शुड रिमेंबर
यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इट इज एन सीबीडीटी। आ रहा है कुछ याद? चलो ठीक है, आई होप तुमको याद आ रहा है। तो सीवी इक्वल टू 1 बाई एन डी बाई डी टी। इन जनरल स्पीकिंग सीवी निकालना है तो एनर्जी का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये याद रखना आप। ये स्मॉल एन का बाद में देख लेंगे हम लोग, विल सी लेटर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोटोन इज 3। सीवी कैसे फाइंड करोगे? आई कम टू दैट। सीवी इज एनर्जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है ना। मुझे बताओ अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हर एक मॉलिक्यूल के पास, मैं हर एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, हर एक मॉलिक्यूल के पास कितना एनर्जी है? विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम यू हैव हाफ केबीटी, तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? तो हर एक मॉलिक्यूल के पास कितना एनर्जी है? 3/2 KBT। तो एनर्जी विथ ईच मॉलिक्यूल इज 3/2 KBT विथ ईच मॉलिक्यूल, विथ ईच मॉलिक्यूल, बराबर। अगर मेरे पास अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, कितना? 1 मोल। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए हाउ डू यू फाइंड आउट एनर्जी? मल्टीप्लाई बाय Na, क्योंकि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी है, इस हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? Na, राइट। व्हाट इज NaKB? R। तो 3/2 RT, ये हो गया एनर्जी एसोसिएटेड विथ 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस, एनर्जी है। तुमको क्या चाहिए था? CV। मैंने अब भी लिख के दिया CV इज 1/NB/dT, और मैंने अब भी बोला N इज नंबर ऑफ मोल्स, और हम यहाँ पे कितने मोल्स की बात कर रहे हैं? 1 मोल। तो 1 मोल के लिए N की वैल्यू क्या होगी? 1। डेरिवेटिव ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू T, व्हाट इज E? 3/2 RT। तो TdT ऑफ 3/2 RT, 3/2 R कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, dT 1 हो गया। तो व्हाट इज दिस? 3/2 R, गुड। ओके, तो सीपी कैसे निकालते हो? सीपी सीवी प्लस आर, अभी तो देखा था। ओके, ये आ गया 3/2 R + R, मतलब कितना? 5/2। वेरी गुड। और गामा इज CP/CV, 5/2 R / 3/2 R इज। तो अगर आपको गामा वैल्यू 5/3 दिया हो तो कौन सा गैस है? अगर आपको सीपी वैल्यू 5 R/2 दिया हो तो कौन सा गैस है? अगर आपको सीवी वैल्यू 3 R/2 दिया हो तो कौन सा गैस है? अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 दिया हो तो कौन सा गैस है? दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ गैस। तो ये सारे आइडेंटिफायर्स होते हैं गैस को आइडेंटिफाई करने के, विच टाइप ऑफ गैस यू टॉकिंग अबाउट। उसके बाद अगर रिजल्ट की बात करूंगा तो 5, तो ये बन जाएगा 5R/2। हाँ, डायरेक्ट कैसे लिखा मैं बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। मैं पहले पूरा मेथड वापस बताता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट बताता हूँ। अगर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितने हैं? वेरी गुड, कितने हैं? 5। तो हर एक मॉलिक्यूल का कितना हो गया? 5/2 KBT। 1 मोल का, अगर 1 मोल ऑफ गैस है तो कितना हो गया? NaKBT, क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस कंटेन्स एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 5/2 KBT वाज द एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय Na। तो ये हो गया 1 मोल का। Na × KBT कितना है? क्या है? 5/2 RT। मुझे CV चाहिए तो मैं इसका क्या करूंगा? डेरिवेटिव लूंगा, तो क्या बचेगा? 5/2 R। ठीक, अब एक शॉर्टकट दे देता हूं आपको। शॉर्टकट, इट इज ऑलवेज FR/2। CV इज ऑलवेज FR/2, ऑलवेज 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 हो गया। तो FR/2 फिगर बता दो, 7 होगा तो 7R/2 आएगा। ये FR/2 है, CV FR/2 है, तो CP जो होता है ना, CV प्लस R होता है, मतलब FR/2 + R होता है। ऐड कर लो, अरे जनरल बताओ ना, F/2 + 1, F/2, 5/2 + 1, तो कितना? 7/2, तो कितना आएगा? 7/5। मैं बता दो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। मोनोएटॉमिक का CP इज रिजिड डायटोमिक का CV, रिजिड डायटोमिक का CP इज नॉन रिजिड का CV, और इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9/7। अब इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट डाउन दिस इन फ्रैक्शनल फॉर्म,
क्योंकि आपको पूछते हैं फिर बाद में फ्रैक्शन देके तो कौन सा गैस है। 5/3 क्या होता है पता है क्या? 5/3 1.5/3 यू आर कंप्लीटली मेसिंग अप विद नंबर्स। 5 तो 5 है, 1/3 0.33 होता है। 0.33 को तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.33 को 5 से मल्टीप्लाई करके बताओ मेरे को कितना होता है। 33 × 10 का हाफ, 330 का आधा बता दो, 165। तो 5 × 0.33 इज 1.6, तो ये 1.66 होता है बेसिकली, अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग। 7/5 तो 1.4, 9/7 1.2, बराबर, गुड, ओके। अब पॉलीएटॉमिक का केस थोड़ा सा अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे होती है गड़बड़। पॉलीएटॉमिक में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं रोटेशन से, सॉरी ट्रांसलेशन से, रोटेशन से भी 3 ही आते वैसे, तो 3/2 RT ये आ गया ट्रांसलेशन से, 3 आते हैं रोटेशन से, तो 3/2 RT ये एनर्जी मिल गया रोटेशन से, बराबर, कहाँ से? रोटेशन से। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन मिला के हो गया 3 RT, बराबर, करेक्ट। अगर मेरे पास एक डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम है, एक, तो हर एक वाइब्रेशनल फ्रीडम के साथ 2 क्वाड्रेटिक टर्म्स है, 2, एक के साथ 2। तो अगर एक डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम है तो हाफ केविटी प्लस हाफ केविटी, बराबर, करेक्ट, राइट, है ना। एक है तो हाफ प्लस हाफ मतलब 1, तो 2 है तो कितना होगा टोटल? एक डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम के साथ हाफ केविटी कमिंग फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ कमिंग फ्रॉम, तो एफ डिग्री के साथ F/2 KBT कमिंग फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन एंड F/2 KBT कमिंग फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना हो गया F KBT। तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम है वाइब्रेशंस के कितने F, तो व्हाट इज एनर्जी कमिंग फ्रॉम वाइब्रेशन F KBT, ये पर मॉलिक्यूल है। व्हाट इज फॉर 1 मोल FRT, सही है। तो टोटल कितना हो गया 3 RT प्लस FRT, तो कितना हो गया 3 + FRT। तो यहां पे वो एनर्जी है, वहां से CV कैसे निकालते हो, इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जाएगा तो क्या आएगा 3 + FR, और CP कैसे निकालते हो CV + R, इसमें प्लस R तो बन जाएगा 4 + FR, और गामा कैसे निकालते हो डिवाइड, तो 4 + F/3 + F, हो गया, गुड, डन। चलो बन गया टेबल, आगे इसके आगे, इसके आगे कौन सा टॉपिक था, इसके आगे आई थिंक रेडिएशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, आई थिंक सो, है ना, रेडिएशन, वेरी गुड। तो इसके बाद वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, बिकॉज एज यू नो देर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम, जैसे फॉर एग्जाम्पल हीट फ्रॉम सन कैन रीच अर्थ थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो बीच में मीडियम नहीं है हमको पता है, तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो रेडिएशन में सबसे पहले वॉट वी हैव डिफाइंड इज, हम लोगों ने डिफाइन किया था अगर आपको याद होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आइडिया ऐसा था, हमारे पास एक मटेरियल है सम सब्सटेंस, अगर इसके ऊपर हीट इंसिडेंट हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट इज क्यू, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट इज क्यू, तो 3 चीजें होती है,
हीट जो इंसिडेंट हुआ उसको मैं कैपिटल क्यू बोल रहा हूँ, तो हीट जो इंसिडेंट हुआ पार्ट ऑफ द हीट इज रिफ्लेक्टेड, हाउ मच इज रिफ्लेक्टेड इज क्यू आर, पार्ट ऑफ द हीट इज ट्रांसमिटेड, हाउ मच इज ट्रांसमिटेड इज क्यू टी, एंड पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब. जब एब्जॉर्ब होता है तो ऐसा दिखाते हो आप कि मटेरियल के अंदर ही वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल, तो पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब. तो टोटल हीट इंसिडेंट क्यू इज पार्शली एब्जॉर्ब्ड, इट इज पार्शली रिफ्लेक्टेड, इट इज पार्शली ट्रांसमिटेड. ओके, तो अमाउंट ऑफ हीट कैपिटल क्यू इज इंसिडेंट, पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड, पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड एंड पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसमिटेड. बराबर. अब आप इन इस इक्वेशन को क्यू से डिवाइड कर देते हो तो यू डिवाइड बाई क्यू, तो क्यू बाय क्यू इज वन, क्यू ए बाई क्यू प्लस क्यू आर बाई क्यू प्लस क्यू टी बाई क्यू. ओके, ये जो क्यू ए बाई क्यू आया इसको बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या फिर एब्जॉर्प्टिविटी. याद है क्या? हाँ याद है, डिनोटेड बाय स्मॉल ए. ये जो क्यू आर बाई क्यू होता है इसको तुम बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टिविटी डिनोटेड बाय स्मॉल आर. इसको आप बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन राइट डिनोटेड बाय टी या फिर ट्रांसमिटिविटी या फिर ट्रांसमिशन, है ना, ऐसा कुछ तो वर्ड था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ. ठीक है, ट्रांसमिटिविटी याद रख लो. तो वन इक्वल टू ए प्लस आर प्लस टी. लॉजिक बहुत लॉजिकल चीज है, अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज इंसिडेंट उसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, बचा हुआ एब्जॉर्ब हो जाएगा. तीन ही चीजें हो सकती है, बाकी तो कुछ हो नहीं सकता, अंडर द अजम्पशन दैट ये मटेरियल खुद एनर्जी इमिट नहीं कर रहा है, मतलब इसका इमिशन नहीं है, इस पे बाहर से एनर्जी आया, इंसिडेंट हुआ और यहाँ पे एनर्जी मतलब एनर्जी बिकॉज ऑफ रेडिएशन, उसको बोलते हो रेडिएंट एनर्जी. क्या बोलते हैं? वेरी गुड, रेडिएंट एनर्जी. तो पार्ट ऑफ द रेडिएंट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब, पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसमिटेड. तो क्यू इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी डिवाइड बाई क्यू. वन इक्वल टू क्यू ए बाई क्यू प्लस क्यू आर बाई क्यू प्लस क्यू टी बाई क्यू. तो वन इक्वल टू ए प्लस आर प्लस टी. मैं इसको याद रखता हूँ आर्ट इक्वल टू वन, तो याद रहेगा तो अच्छी बात है. अब डिपेंडिंग ऑन गुड ऑल गुड, क्योंकि ये पढ़ाता हूँ ना तो कुछ लोगों को सर दर्द होता है, तो डोंट वरी, इट इज टू इजी. आई एम नॉट द, मेरी गलती नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे पढ़ाना पड़ेगा ये, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे. तो थोड़ा टाइम और, क्यों नहीं, 8:33 तो हो ही गए अभी, क्या 12-15 मिनट जितना हुआ हुआ, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे. अब इसके बाद यू आइडेंटिफाई सब्सटेंस बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ ए आर एंड टी. इसका भी एक टेबल बना देता हूं मैं, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट की वैल्यू एंड द टाइप ऑफ सब्सटेंस. याद रखना, अगर याद होगा तो, याद है क्या, याद है कौन से टाइप ऑफ सब्सटेंस हमने डिफाइन किए थे? टेबल ही दिया था मैंने, डायएथरमेनस, एथरमेनस, परफेक्ट रिफ्लेक्टर एंड परफेक्ट एब्जॉर्बर. तो मैंने ना नोट्स में आपको ऐसा एक टेबल बना के दिया है, वो सेम टेबल आई जस्ट पुट इट हियर. आई विल पुट वैल्यूज ऑफ ए आर टी एंड टाइप ऑफ सब्सटेंस. तो व्हाट इज डायएथरमेनस सब्सटेंस, इफ यू रिमेंबर, इफ यू कैन रिकॉल, डायएथरमेनस एथरमेनस याद ही नहीं है कुछ? डायएथरमेनस इज अ सब्सटेंस, वो पूरा ही एनर्जी ट्रांसमिट कर देता है, इट डज नॉट एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट. तो ए की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू जीरो, ये होता है डायएथरमेनस. ओके, बराबर. उसके बाद एथरमेनस इज द वन विद ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट. तो ए की वैल्यू जीरो नहीं है, आर की वैल्यू भी जीरो नहीं है, लेकिन ए प्लस आर इक्वल टू, यहाँ पे टी इक्वल टू वन था, यहाँ पे ए प्लस आर इक्वल टू वन है, इसको बोलते हो एथरमेनस. एथरमेनस
गुड, देन उसके बाद यू हैव परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स, परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स मतलब आर की वैल्यू वन बाकी दोनों जीरो, परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स. ओके, देन यू हैव ब्लैक बॉडीज विच आर परफेक्ट एब्जॉर्बर्स. तो ब्लैक बॉडी मतलब परफेक्ट एब्जॉर्बर्स, दे एब्जॉर्ब ऑल द एनर्जी इंसिडेंट ऑन देम. तो ए वन बाकी दोनों जीरो. दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मटेरियल्स. ओके, देन इसके बाद था फेरिस ब्लैक बॉडी. फेरिस ब्लैक बॉडी ये थियोरेटिकल है तो आई विल नॉट गो इन टू दैट. इसके बाद था अगर आपको याद होगा इमिसिव पावर. तो इसके बाद तुम इमिसिव पावर डिफाइन करते हो. तो इमिसिव पावर अगर याद होगा तो हाउ डू डिफाइन इमिसिव पावर. Emissive power is the energy emitted per unit time, per unit area from a black body or from a body. So emissive power is the amount of energy radiated per unit area, per unit time. इसको note करते हो किससे? E से. Emissive power is intensity itself, energy emitted per unit area, per unit time. तो एक body में से, unit area में से एक सेकेंड में कितना एनर्जी मेड हो रहा है एक बॉडी में से. जैसे ब्लैक बॉडीज लाइक अ सन आर नियर अ स्टार, उसमें से यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम में एक सेकेंड में कितना एनर्जी इमिट हो रहा है उसको बोलते हो इमिसिव पावर. ये पता होना चाहिए. देन यू हैव ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम. और ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस्ड होता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. तो तुमको ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम अच्छे से पता होना ही चाहिए. ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम पहले तो पता होना चाहिए. ब्लैक बॉडी मतलब क्या? ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट. उस पर जितना भी जो भी वेवलेंथ इंसिडेंट हो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो पूरा एब्जॉर्ब करता है वो पूरा इमिट भी करता है. तो ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच इमिट्स ऑल द वेवलेंथ, राइट? तो अगर आप देखोगे, और बेसिकली ब्लैक बॉडी में एनर्जी इज इमिटेड, रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. तो मैं अगर E, मतलब इमिसिव पावर प्लॉट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, मतलब एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ. तो अगर मैं अलग अलग टेम्परेचर पे देखता हूं, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक इट एट 1000 केल्विन, तो ग्राफ ऐसा बनेगा. तो याद रखना द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस. मतलब विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा, हम लोग कर क्या रहे हैं ना, हम लोग अलग अलग वेवलेंथ पे इमिसिव पावर मेजर कर रहे हैं. So what we see is with increase in wavelength, emissive power increases, reaches a peak value and then falls down, decreases. Okay, good. Then, ये मैंने 1000 Kelvin पे किया, मान लो 1000 Kelvin पे किया, तो मैंने एक body लिया, उसको 1000 Kelvin temperature पे रखा, अलग अलग wavelength पे मैं उसका emissive power measure कर रहा हूँ, this is what I get. अगर मैं same measurements at higher temperature करता, तो मुझे graph का nature almost same मिलेगा. Right, this is at 2000. केल्विन. अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट एट हायर टेम्परेचर करता तो मुझे ग्राफ का नेचर मिलता सेम. अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ा देता तो मुझे मिलता वापस से सेम, राइट? करेक्ट. सिर्फ डिफरेंस क्या है, इफ यू नोटिस केयरफुली, जो पीक है ना, पीक मतलब द वेवलेंथ एट विच यू हैव मैक्सिमम इमिसिव पावर. विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, पीक वैल्यू लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है. लेफ्ट में शिफ्ट होना मतलब डिक्रीज होना. ओके, देखा आपको, जब 1000 केल्विन टेम्परेचर था तो पीक मतलब द वेवलेंथ एट विच यू हैव मैक्सिमम इमिसिव पावर, ये ज्यादा था. फिर कम हो गया. तो यहाँ पे पीक इज शिफ्टिंग टू द लेफ्ट. शिफ्ट होना मतलब डिस्प्लेस होना. यहां से बनता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. क्या बनता है यहां से? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम से यू गेट द फर्स्ट लॉ विच इज कॉल्ड एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. इट जस्ट टेल्स यू दैट द वेवलेंथ एट विच द इमिसिव पावर पीक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. डन. तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी बाय टी, वेयर बी इज कॉल्ड एज वीन्स कांस्टेंट, है ना? तो बी इज कॉल्ड एज वीन्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी होती है, तो वो बाद में देख लेंगे. ये लॉ पता होना चाहिए.
इसके बाद यू हैव, अभी क्या एक दो ही तो बाकी है, इसके बाद यू हैव किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन जो हमारे काम का नहीं है, ओके, एंड देन यू हैव टू डिफाइन, क्योंकि किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन इज, इट इज जस्ट टेलिंग यू दैट कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, डन। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन क्या है वो पता होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन कैसे डिफाइन करते हो वो पता होना चाहिए आपको। तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, दे आर नॉट डिफाइंड इन द सेम वे। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन होता है कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ अपॉन कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन में वैसा नहीं है, क्योंकि इमिशन में इमिट हो रहा है, एनर्जी इंसिडेंट नहीं हो रहा है। तो हाउ डू यू डिफाइन, इट इज डिफाइंड एज इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी अपॉन इमिसिव पावर ऑफ दैट बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। मतलब मैं एक दो बॉडी लेता हूँ, एक है ऑर्डिनरी बॉडी जिसका इमिसिव पावर डिफाइन कर रहे हो, एक है ब्लैक बॉडी। दोनों बॉडीज का साइज सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, सिर्फ एक ब्लैक बॉडी है और एक ऑर्डिनरी बॉडी है। तो उस गिवन टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी का कितना इमिसिव पावर है डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी बॉडी का कितना इमिसिव पावर है, इन दोनों का जो रेशियो है इसको बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। इट इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी टू दैट ऑफ इमिसिव पावर ऑफ द ऑर्डिनरी बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर इज सपोज टू बी सेम, ओके गुड, यह है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। तो डेफिनेटली अगर आप ब्लैक बॉडी का ही कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन देखोगे तो ईबी बाई ईबी दैट विल बिकम वन। इसके बाद आपको बताना चाहिए स्टीफंस लॉ ऑफ रेडिएशन। स्टीफंस लॉ ऑफ रेडिएशन, तो स्टीफंस लॉ ऑफ रेडिएशन आपको यह बताता है इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और अगर आप ये हटाओगे तो एक कांस्टेंट लिखोगे जिसको बोलते हो स्टीफंस कांस्टेंट। तो स्टीफंस लॉ इज इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ई बी सिग्मा टी रेस टू फोर, और अभी मैंने एक चीज लिखा यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे ई बी इज इक्वल टू, हाँ ओके गुड। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए देखोगे ना, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए आप सिर्फ यहाँ पे ई लिखते हो साथ में, ई सिग्मा टी रेस टू फोर, डन, क्लियर, गुड गुड गुड, पक्का पक्का, ओके। फिर लास्ट है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हम लोग ठंड में बहुत जगह पे एक्सपीरियंस करते हैं। जितना ज़्यादा आप गर्म करोगे किसी सब्सटेंस को, जैसे पानी कर लिया, हायर द टेम्परेचर फास्टर इट कूल्स, उसको बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। बेसिकली टेल्स यू दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, इसके दो टाइप के स्टेटमेंट है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, हीट को डिनोट करते हो तुम क्यू से। तो इट टेल्स यू दैट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी ओवर इट्स सराउंडिंग, या सिंपल भाषा में बोले तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग। मेरे पास एक बॉडी है हॉट बॉडी जिसका टेम्परेचर थीटा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा जीरो है, राइट right? तो एक्सेस टेम्परेचर या फिर डिफरेंस इन टेम्परेचर हो गया थीटा माइनस थीटा जीरो। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग, या फिर रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब एक सेकेंड में कितना हीट लॉस हो रहा है इस प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग। या फिर तुम ऐसा ही बोल सकते हो ना, अगर हीट लॉस होगा तो बॉडी का क्या होगा, कूलिंग होगा, मतलब क्या होगा, टेम्परेचर फॉल होगा। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग, हो गया। तो इतने थ्री टॉपिक्स थे, तो दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल स्टार्ट विद पी वाई क्यूज ऑफ सी ए टी ऑन नेक्स्ट लेक्चर।